रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा अध्यक्ष सदर अपना दल, हमारी बहन विधायक मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब और वाराणसी के उम्मीदवार पार्लिमानी उम्मीदवार पीडीएम मोहतरम जनाब गगन प्रकाश यादव साहब, शहनशीन बदशरीफ फरमा एमआईएम पार्टी अपना दल और पीडीएम के तमाम कायदीन और जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि पहली जून को आप अपना एक एकॉर्ड जनाब गगन प्रकाश यादव साहब के हक में इस्तेमाल करें, जिनका इंतखाबी निशान लिफाफा है और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पीडीएम का हिस्सा इसलिए बनी कि पल्लवी पटेल साहिबा ने ये कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा और मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा, हम उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे जो सबके लिए ज़रूरी है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पल्लवी पटेल साहिबा का साथ दिया और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हम पीडीएम का हिस्सा बने हैं, ये सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमने तय किया और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये पीडीएम में जो एमआईएम पार्टी शामिल है, ये इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा होंगे उस वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीडीएम को मजबूत करें और उसको मजबूत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहली जून के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है और इस अमानत का आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अजीजाने मिल्लत, आप इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क के व हमारे वतनी अजीज के वजीर आजम मोदी हैं और 10 साल में हमने वो तमाम नज़ारों को देखा, वो तमाम चीज़ों को हमने और आपकी आंखों ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल में जब से बीजेपी इख्तदार पर दिल्ली में आई है, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को आज कह रहा हूं आपके दरमियान में, मैंने पार्लियामेंट के सेशन में भी इस साल फरवरी के महीने में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मैंने सदर जमहूरिया के खुतबे में अपनी तकरीर में कहा कि भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान हैं अल्पसंख्यक समाज के, इनका वो हाल है जो 1930 में हिटलर के ज़माने में यहूदियों का हाल था। और जब हिटलर जर्मनी का हुक्मरान था तो उस ज़माने में 1930 में पहले यहूदियों के ताल्लुक से उनको बदनाम किया गया, फिर हिटलर ने कहा कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, फिर हिटलर ने इनके कपड़ों पर हमले करवाए, इनके खाने पीने के तरीके पर हमले करवाए, फिर उसके बाद हिटलर ने उनके घरों को तोड़ाया, फिर उसके बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ पिक्चर बनाई और उन पिक्चर्स के जरिए ये पैगाम दिया गया कि जर्मनी के उस वक्त के यहूदी जर्मनी से मोहब्बत नहीं करते। और आखिरकार हमने देखा कि जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में दुनिया ने देखा कि 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को
हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। हिटलर के जमाने में यहूदियों के खिलाफ तकारीर किए जाते थे, उनके खिलाफ जहर उगला दिया जाता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 2024 में हम हैं। 2014 से 2024 का अगर हम देखेंगे तो जो कुछ हिटलर ने 1930 में यहूदियों के साथ किया था, वो तमाम के तमाम निशानियां, वो मिसालें आज हम दे सकते हैं हमारे वतन अजीज में। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को आपके जरिए से या अपने फजल से पहुंचा रहा है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम वतन अजीज में एक इज्जत बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम वतन अजीज में हम ये चाहते हैं कि हमसे इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत हो, तो ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मुस्लिम अकलियत को उनका मुकाम मिले। आप कई सालों से, कभी आपके हमारे बुजुर्गों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ दिया, फिर लोकदल का साथ दिया, फिर जनता दल का साथ दिया, बीएसपी का साथ दिया, समाजवादी का साथ दिया। मैं आपसे एक ही बात करके जा रहा हूं, क्या आप और हमने क्या हासिल किया बताइए? आप किसने आकर हमारे घर में चला चराग जलाया, किसने हमारे नौजवानों पर जुल्म जब हो रहा था उनकी मदद के लिए आगे आए, किसने आकर हमारी बस्तियों में स्कूल खुलवाए, किसने हमारे महलों में रोड और सफाई का इंतजाम किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि याद रखिए, जब तक आप वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, हम नाइंसाफी का शिकार होते रहेंगे। हाँ, आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेगा, मगर जब हम क्या करेंगे, जब एक और मोदी आ जाएगा, तो फिर हमारा इख्तियार और हमारा तमाम हमारा बर्ताव क्या होगा? अभी से आप कोशिश करिए कि आपकी लीडरशिप को बनाइए। उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, हर समाज का एक नेता है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है तो भारत के 17 करोड़ मुसलमान है। मैं आपके दरमियान में आकर ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मुस्लिम समाज का नेता बनना है, हरगिज नहीं, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर मैं खराब हूं या हम तमाम में से किसी को एक बनाइए, मैं उसके पीछे खड़े होकर काम करने को तैयार हूं, मगर नेता आपके ही दरमियान में से आएगा। कोई अब आसमान से गिरने वाला नहीं है, कोई जमीन के नीचे से निकल कर आने वाला नहीं है, आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप वोट लेने वाले बनेंगे। आप बरसों से 40-45 साल से हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं और हम वोट लेने वाले नहीं बन रहे। वोट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमको डरा दिया गया कि अगर हम वोट लेंगे तो कोई और जीत जाएगा, फिरका परस्त ताकतें जीत जाएंगी, बीजेपी जनसंघ जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को आपके सामने दलील के साथ प्रूफ कर दूंगा। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि क्या 2014 में आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? कितनों ने वोट नहीं दिया था, हाथ उठाइए। क्या आपने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था? क्या आपने 2019 में दिया था? क्या आपने 2022 में दिया था? क्या 2024 में देंगे आप? कितने नहीं देंगे, हाथ उठाइए। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी 2014 में नहीं आया था तो कैसे बीजेपी जीत गई, 2017 में कैसे बीजेपी जीत गई, 2019 में कैसे बीजेपी जीत गई, 2022 में कैसे बीजेपी जीत गई? ये आपके हमारे दिलों में ये चीज डाल दी गई है कि तुम अगर वोट लेने वाले बनोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी आपके वोट से नहीं जीत रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। बीजेपी इसलिए जीत रही कि कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों को खो चुकी है। और हमको आकर कहा जाता है कि तुम अपने वोट को मुत्तहिदा इस्तेमाल करो। कभी उनसे कोई नहीं कहता कि समाजवादी अपना वोट मुत्तहिदा इस्तेमाल क्यों ना करें।
कांग्रेस के लोग अपना मुत्तहिदा और क्यों इस्तेमाल ना करें, मगर जब